माय डियर फ्रेंड्स, 75वां स्वतंत्रता दिवस का इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो। और हम सब भारतीय अभी बहुत खुश हैं, चूंकि अभी हफ्ता दिन नहीं हुआ, हमारे इंडियन आर्मी का नौजवान नीरज चोपड़ा जी ने दुनिया को जीत लिया। हाँ, 2020 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल कर दुनिया में भारत का सीना गौरव से चौड़ा कर दिया। सैल्यूट टू नीरज चोपड़ा जी। पर उनका ये सक्सेस का जर्नी उतना आसान नहीं रहा दोस्त। हरियाणा का पानीपत जिला का एक छोटा सा गांव खंदारा में एक मामूली सा किसान परिवार में पैदा हुआ नीरज चोपड़ा। 1997 की बात है, पिता सतीश कुमार चोपड़ा और माता सरोज देवी का लाडला बेटा निज्जू बचपन से ही थोड़ा बहुत नटखट और शरारती रहा, और खाने में तो बड़ा दिलचस्पी रहा उनको। और घी मक्खन से बना हुआ रोटी का चूरन जब तक मन भर के ना खा ले वो चुप नहीं बैठता, और नतीजा जो होने का था वही हुआ। सिर्फ 11 साल का उम्र में उनका मोटापा उनको जकड़ लिया। चाइल्ड ओबेसिटी से परेशान, तो वजन को तो घटाना है। पिताजी उनको पानीपत में स्टेडियम में एक जिम में दाखिला करा लिया, और वहीं पर जीवन का टर्निंग पॉइंट नीरज चोपड़ा का। एडवर्सिटी को बदल लिया एडवांटेज में। वहां जब वो वेट लॉस करने के लिए जाया करते थे, उसी समय जयवीर चौधरी के साथ स्टेडियम में भेंट हो गया। जयवीर चौधरी उस समय जेवलिन थ्रो का अभ्यास कर रहे थे। नीरज जी ने भी उस समय जेवलिन हाथ में उठाया, और पहले बार जब भाला फेंका तो जयवीर चौधरी को भाग गया। और जयवीर चौधरी जैसे जोहरी जोहरत को पहचान लेते हैं, वैसे पहचान लिया नीरज में वो हुनर है, वो कला है जिससे वो जेवलिन थ्रो में महारत हासिल कर सकता है। बस शुरू होने का देर था। 2010 का एक कहानी है। साथ साथ वेट लॉस करने के लिए भी अभ्यास रहा, और जेवलिन थ्रो भी चलता रहा। और ये उनका ये मेहनत 2 साल में ही 2012 में रंग लाया। नेशनल जूनियर एथलीट चैंपियनशिप लखनऊ में उनको गोल्ड मेडल हासिल हो गया, और ये सफलता का जानने और रुकना नहीं था। 2013 में नेशनल यूथ चैंपियनशिप में उनको गोल्ड मेडल दोबारा से मिल गया। 2014 में उनको पहले बार वर्ल्ड वाइड पहचान मिल गया अपना इवेंट में, और 2015 में वो इंडियन नेशनल एथलीट चैंपियनशिप ट्रेनिंग कैंप में ज्वाइन किया, और बहुत मेहनत की और IAAF अंडर 20 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड स्थापित किया 2016 में। इस रिकॉर्ड के बाद उनको इंडियन आर्मी में एज ए जॉइंट कमीशन ऑफिसर नौकरी मिल गया। फ्रेंड्स, पर समय तो उतना आसान नहीं रहा। 2016 में उनको बैक इंजरी हुआ और बहुत परेशान रहे, अपना परफॉर्मेंस भी डिटोरिएट करते रहा, लेकिन वो थक के रुका नहीं और रुक के बैठा नहीं। वो अपना अभ्यास अपना मेहनत जारी रखा। भला 2016 का समर ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन वो लगे रहे अपने काम में पूरा लगन से, पूरा दिल से, पूरा मेहनत से। 2017 में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में उनको फिर गोल्ड मेडल हासिल हुआ, और 2018 में एशिया भर में वो महारत हासिल कर लिया। एशियन गेम्स में उनको गोल्ड मेडल हासिल हो गया, और उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। आर्मी में विशिष्ट सेवा मेडल भी उनको मिल चुका, और वो अपना अभ्यास ऐसे ही लगातार जारी रखा, और 2019 में 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर गया। पर चैलेंज भी साथ नहीं छोड़ता। जिस दिन उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया, उसी के ही दूसरे दिन उनको राइट एल्बो सर्जरी करना पड़ा, और उस सर्जरी के बाद उनको रिकुपरेशन, रिहेबिलेशन और मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को दोबारा स्वस्थ करना पड़ा, अभ्यास भी जारी रखना पड़ा। और उस समय वो साउथ अफ्रीका से लेके तुर्की तक, तुर्की से लेके पुर्तगाल तक दुनिया भर में अपने अभ्यास के लिए, अपने कामयाबी के लिए तलाशते रहा, ढूंढते रहा, प्रैक्टिस करते रहा, और आखिर 2010 से शुरू ये जर्नी 2021 इस 12 साल का बहुत ही लगन और मेहनत से किया हुआ अभ्यास रंग लाया। 2020 टोक्यो ओलंपिक का ओलंपिक ग्राउंड में उनको कामयाबी मिल गया, और जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल हो गया। सो फ्रेंड्स, नीरज चोपड़ा का ये सक्सेस का जर्नी निष्कंटक नहीं रहा। हमेशा चैलेंजेस आते गए, पर चैलेंज को हर बार वो सामना करते गए, तब जाके सफलता हाथ लगी। आपको जानकर हैरानी होगा, नीरज चोपड़ा जी टोक्यो ओलंपिक से 1 साल पहले तक अपना मोबाइल को स्विच अप करके रखा, साल भर के लिए अपना मोबाइल को स्विच अप करके रखा, ताकि उनको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैदान में उतरने से पहले अपना प्यारा लंबे लंबे बाल को भी वो कटवा लिए, ताकि किसी तरह का परेशानी मैदान में भी ना हो। फ्रेंड्स, ऐसा डेडिकेशन और डिवोशन अगर हो, ऐसा लगन और मेहनत से कोई अगर अपना काम में जुड़े रहे, तो सफलता कैसे नहीं मिलती। फ्रेंड्स, हम सब भारतीय नौजवान के लिए नीरज चोपड़ा एक जीता जाता मिसाल है। आप सब होना इंस्पायर्ड उनके कामयाबी से, तो भाई ऐसा ही इंस्पायर्ड रहो, मोटिवेटेड रहो, और अपने साथ साथ देश का नाम भी गौरवान्वित उज्ज्वल करते रहो। सो फ्रेंड्स,
वीडियो में आखिर तक रहने के लिए आप सबको एक बार और बधाई, और नीरज चोपड़ा जी के लिए एक बार और सैल्यूट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।